हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गिरीश मिश्रा और आज हम लोग बातचीत करेंगे इस टिडियक कंपनी के बारे में। पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरीके से बाकी जो यूरोपियन कंपनियां थी वो लोग आए और वो लोग भारत किस लिए आए, इसके बारे में बताया था कि भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से वो यहाँ के जो मसाले थे, जिस किस्म के कपड़े थे, शोरे थे, इन सभी चीज़ों के कॉटन, कपास, इन सारी चीज़ों को वो लेने आते थे। और उसी क्रम में बताया था कि सबसे पहले जो यूरोपियंस भारत आना शुरू किए पानी के रास्ते वो थे पुर्तगीज। पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर आए डच, डच के बाद तीसरे नंबर पर थे ब्रिटिश, फिर डेन, फ्रेंच, स्वीडिश। तो बाकी जितने भी कंपनियां थी, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, स्वीडिश, इनके बारे में आपको पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आज हम लोग बातचीत करेंगे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है बिजनेस करते हो, बिजनेस करते करते पूरे भारत पर ही कंट्रोल कर लेती है। तो पहले इसका हम लोग फाउंडेशन देखेंगे, इसका एक बैकग्राउंड, फिर किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपने नियंत्रण में लिया और भारत को एक तरीके से, जिसको हम लोग सीधी भाषा में कहते हैं कि भारत को अपना गुलाम बनाया। तो एक कंपनी जो भारत में बिजनेस करने के उद्देश्य से आई और भारत को गुलाम बनाती है, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये जो नाम हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, पहले इसका नाम बहुत बड़ा था। पहले इसका नाम हुआ करता था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये आपको लिखा हुआ सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा, ये 1833 के एक्ट के बाद इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। पहले यही जो लंबा वाला नाम जो आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यही पहले इसका नाम हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो एक्चुअली जब भारत में, जब पुर्तगीज और ये बाकी जो यूरोपीय थे ये लोग बिजनेस करते थे और भारत से बहुत भारी मात्रा में वो कंपनियाँ लाभ उठा रही थी, तो इससे लंदन के कुछ व्यापारियों में भी प्रेरणा जागी कि वो लोग भी भारत से बिजनेस करें, और भारत से बिजनेस करने के लिए उन लोगों ने सोचा कि एक कंपनी बनाई जाए। तो सबसे पहले 1599 में, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक ग्रुप था, उसी मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप ने लंदन में एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो ये लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर बनाई थी। इसमें एक डायरेक्टर होता था, एक डिप्टी डायरेक्टर होते थे और 24 इसके सदस्य थे, यानी एक डायरेक्टर, यानी एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य थे। बाद में इन्हीं 24 सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम दिया गया। तो ये जब कंपनी बनी तो उस समय ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट का शासन हुआ करता था, तो उन्हीं एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने इस कंपनी को सन 1600 में या 1600 में पूर्व की ओर, यानी भारत और जो ईस्ट एशिया था, साउथ ईस्ट एशिया था, उसके ट्रेड के लिए बिल्कुल मोनोपोली थी, यानी बाकी भी ब्रिटेन की कंपनियां अगर चाहती थी तो इससे बिजनेस नहीं कर सकती थी। तो भारत और बाकी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, क्योंकि लंदन से भारत ईस्ट में, एशिया यूरोप के ईस्ट में पड़ता है, तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ टेलर ने इस कंपनी को, जिसको हम लोग बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, एक अधिकार दिया मोनोपोली, यानी केवल यही कंपनी है इसके साथ बिजनेस कर सकती है। पहले जो मोनोपोली दिया गया था केवल 15 सालों के लिए दिया गया था, बाद में 1509 में जेम्स फर्स्ट ने इसकी मोनोपोली को अनलिमिटेड बढ़ा दिया। यानी पहले जो एलिजाबेथ टेलर ने इस कंपनी को मोनोपोली दिया था वो केवल कितने सालों के लिए दिया गया था, 15 सालों के लिए, लेकिन बाद में जेम्स फर्स्ट ने इसको 15 सालों से बढ़ा के फिर अनलिमिटेड कर दिया कि भाई जितने समय तक चाहे उतने समय तक मोनोपोली, मतलब असीमित काल के लिए कर दिया गया। यानी कंपनी उस समय लंदन में अपना प्रभुत्व रखती थी, जिससे वहाँ के राजा ने इनको मोनोपोली दी। फिर बाद में वही जेम्स फर्स्ट की एक चिट्ठी थी, जेम्स फर्स्ट ने भारत के जो बादशाह उस समय अकबर था, अकबर के टाइम पीरियड था, तो अकबर के नाम की एक सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी कि भाई हमारे आदमी वहाँ पर जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए कुछ सुविधाएँ दी जाएँ। तो वही जेम्स फर्स्ट की चिट्ठी लिख के लेके हाथ में हेक्टर नामक जहाज था, हेक्टर क्या था, शिप था, इसी हेक्टर नामक जहाज पर सवार होके जेम्स फर्स्ट की चिट्ठी लेके कैप्टन हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचता है सूरत। और जब वो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचता है, वो समय था 1600
1608 का, ठीक है। तो 1608 में पहला ब्रिटिश जो पानी के रास्ते यानी जमीन के रास्ते और कौन से जहाज़ पर आया था, हेक्टर पर, नाम था विलियम हॉकिंस, वहाँ पर पहुँचता है सूरत बंदरगाह पर। हालांकि इसके पहले भी अंग्रेज आ चुके थे 1555 में, जॉन मिडेनहॉल था, तो जॉन मिडेनहॉल था वो जमीन के रास्ते आया था, ब्रिटिश था, लेकिन पानी के रास्ते पहले कौन आया था, जेम्स फर्स्ट की चिट्ठी लेके, विलियम हॉकिंस। हालांकि विलियम हॉकिंस पर जो चिट्ठी थी वो अकबर के नाम की थी, लेकिन जब 1608 में पहुंचा उस समय तक अकबर की मौत हो चुकी थी और उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर। जहांगीर के पास पहुंचता है विलियम हॉकिंस, आगरे में जहांगीर के सामने दरबार लगता है और विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से उसकी अपनी मातृभाषा में बात की, क्योंकि विलियम हॉकिंस जो तुर्की का बहुत अच्छा जानकार था तो उसे तुर्की और फारसी को मिक्स करके जहांगीर से उसकी मदर टंग में बात किया, और इन अंग्रेज़ों को उस समय मुगल फिरंगी कहते थे, तो एक फिरंगी के मुंह से अपनी मातृभाषा सुन के जहांगीर बड़ा खुश हुआ था और उसको 400 का मनसब भी दिया, यानी उसको मनसब भी दे दी। हालांकि बाद में फिर मुगल दरबार में, क्योंकि उसके पहले पुर्तगाली सन 1400, अब सोचिए अंग्रेज भारत में कब आए, 1608 में, और पुर्तगाली 1498 में आ चुके थे, यानी इन अंग्रेजों के आने के 110 साल पहले पुर्तगाली आ चुके थे, तो पुर्तगालियों का असर मुगल दरबार में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो पुर्तगाली पहले से दरबार में थे, पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि कोई और यूरोपीय शक्ति मुगलों के दरबार में एंट्री करे, तो पुर्तगालियों ने मुगल बादशाह के कान भरे और साजिश करके अंग्रेज़ों को मुगल दरबार से एंट्री बंद करवा दी। लेकिन अंग्रेज लगातार प्रयास करते रहे और उन्हीं के प्रयासों से 1613 में 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। फैक्ट्री जो होता है, जैसे हम लोग फैक्ट्री का मतलब जहाँ मशीनें हों, तो उन समय फैक्ट्री का मतलब होता था गोदाम टाइप से, कि जहाँ लोग सामान इकट्ठा करते थे, तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। हालांकि इसके पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो गई, वो चल नहीं पाई थी। तो पहला जो उनका स्थायी फैक्ट्री बना था वो 1613 में बना था, और कहाँ पर बना था, सूरत में बना। अब इसके बाद इन्होंने फिर बिजनेस करना स्टार्ट किया, थोड़े पैमाने पर कर रहे थे, बाकी जगहों पर अपनी फैक्ट्री बनाने की कोशिश की। फिर इनको एक और बड़ी सफलता मिलती है कि जब 1615 में भारत पहुंचता है थॉमस रो। तो जब थॉमस रो आता है, तो थॉमस रो ने मुगल दरबार से बहुत सारी रियायतें हासिल की। तो इसके बाद धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी इसका जो पुराना नाम था, वो लोग धीरे धीरे करके भारत में अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां अलग अलग जगहों पर इस्टेब्लिश करने शुरू करते हैं। फिर बाद में उधर से पूर्वी तट जो भारत से सूरत, क्योंकि इधर वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता था, पश्चिमी तट पर पड़ता था, तो फिर धीरे धीरे करके इन्होंने पूर्वी तट की तरफ भी कदम बढ़ाए और 1632 में 1632 में गोलकुंडा से इन्होंने सुनहरा फरमान जारी प्राप्त किया, और उसी सुनहरे फरमान से गोलकुंडा में व्यापार करने की इनको छूट मिल गई। लेकिन क्योंकि गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने इन कंपनी को व्यापार करने की छूट दी, लेकिन जो निचले स्तर के अफसर होते थे वो अंग्रेज़ों को बड़ा परेशान करते थे, उनको ठीक ढंग से बिजनेस नहीं करते थे, तो अंग्रेज़ एक स्थायी अपने परमानेंट अड्डे के लिए बड़ा परेशान थे। फिर बाद में चंद्रगिरी के एक राजा थे, तो चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने 1639 में मद्रास पट्टे पर ले लिया। 1639 में किसको लिया, मद्रास। तो जो मद्रास इन्होंने पट्टे पर लिया, और किससे लिया था, चंद्रगिरी से। तो जब 1639 में चंद्रगिरी से इन्होंने मद्रास पट्टे पर लिया, और यहीं पर फ्रांसिस डे ने मद्रास को अच्छे से सुदृढ़ फैक्ट्री बनाई और मद्रास की स्थापना की, और यही जो मद्रास बाद में चल के इनकी प्रेसिडेंसी बना, और इसी मद्रास की जो फैक्ट्री थी इसका नाम बड़ा सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बना मद्रास 1639 में, ये अंग्रेजों की पहला प्रेसिडेंसी बना था, फर्स्ट प्रेसिडेंसी इनकी यही बनी थी। यानी अंग्रेजों का यह सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी कौन सी है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी है, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और एक कब बनी थी, 1639 में, और इसको किसने बसाया था, फ्रांसिस डे। तो अगर पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ मद्रास, मद्रास का संस्थापक कौन था, फ्रांसिस डे ने ही मद्रास की स्थापना की, और यही मद्रास लंबे समय तक पूर्वी तट पर, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट भारत का था, उस पूर्वी तट पर सबसे बड़ा एक तरीके से इनका
प्रेसिडेंसी बना और सारी चीज़ों पर, इवन बंगाल तक पर मद्रास प्रेसिडेंसी ही कंट्रोल किया करता था। फिर बाद में इधर वेस्टर्न कोस्ट पर भी अंग्रेजों को एक अड्डा चाहिए हुआ था, लेकिन बंगाल पर क्या, पूर्व पश्चिमी तट पर क्या था कि उधर पुर्तगाली हावी थे, पुर्तगालियों का बिजनेस बहुत ज़्यादा था, पुर्तगालियों का झगड़ा चल रहा था। लेकिन बाद में यूरोप में एक संधि हुई और पुर्तगाली और ब्रिटिश आपस में मिल गए। तो जब पुर्तगाल और ब्रिटेन में संधि होती है यूरोप में उधर, तो उसी समय 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीना ब्रिगेंजा, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार से हो जाती है और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से होती है। तो जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से होती है, तो पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे दे दिया, यानी बॉम्बे अब किसके पास चला आया, अंग्रेजों के पास चला आया, ब्रिटिश के पास चला आया। और किसने दिया, पहले बॉम्बे पुर्तगालियों का था, ब्रिटिश राजकुमार को चार्ल्स सेकंड को मिला था। और फिर जब बाद में चार्ल्स सेकंड राजा बना, तो उसी चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, 1668 में 1668 में ये जो बॉम्बे था ये दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको 10 पौंड सालाना, यानी 10 पौंड सालाना का किराया दिया। यानी सोचिए पूरे बम्बई का क्या, पहले अंग्रेजों ने क्या बना रखा था यूरोपी ने, कि पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दिया ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड को, और चार्ल्स सेकंड ने मात्र 10 पौंड, मतलब आज के 10 रुपये, मात्र 10 पौंड सालाना के किराए पर चार्ल्स सेकंड ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। और यही जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया जाता है, तो बॉम्बे में इन्होंने अपना अड्डा बनाना शुरू किया। यहाँ पर बॉम्बे में इन्होंने अपने टकसाल बनाए, बॉम्बे में अपनी सेना रखी, अपने बाकी लोगों को यहाँ पर बसाना शुरू किया, और बॉम्बे को ही पश्चिमी तट का इन्होंने मुख्य अड्डा बना लिया। और बॉम्बे में इन्होंने बहुत बड़ा डकयार्ड जो था, गुदीवाड़ा था, उसको विकसित किया। और उसी बॉम्बे का जो फाउंडर था, बॉम्बे जो इनकी प्रेसिडेंसी बनी, उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर था गेराल्ड अंगियार, वही गेराल्ड अंगियार माना जाता है कि फाउंडर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का संस्थापक माना जाता है। आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि बम्बई शहर किसने बसाया था, तो गेराल्ड अंगियार पूरा नाम था उसका, तो उसी गेराल्ड अंगियार ने बसाया था। उसी ने बॉम्बे में अपनी जो यूरोपियन स्टाइल में पुलिसिंग थी, तो मेट्रोपॉलिटन था, वो सारी चीज़ें उसने बॉम्बे में बना दी, पुलिस सब कुछ उसने रख दिया था। ठीक, तो इधर मद्रास बन गया, उधर बॉम्बे बन गया। अब इधर बारी आती है बंगाल की। बंगाल में भी धीरे धीरे अंग्रेज अपना कब्जा बढ़ा रहे थे। बंगाल में जो इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री या पहली सफलता अंग्रेजों ने प्राप्त की थी, वो प्राप्त की थी 1651 में, 1651 में। यानी जो भारत के तीनों बड़े अड्डे आज आप देखते हैं, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों अंग्रेजों के हो रहे थे। इधर बताया बॉम्बे, इधर बताया मद्रास, अब इधर आ रहा था बंगाल, या जिसको बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो बताया कि ये जो सेंट फोर्ट जार्ज था, फ्रांसिस डे 1639, ये आपको बताया बॉम्बे 1668, यानी सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी, बंगाल अभी भी मद्रास के अंडर में हुआ करता था। तो इन दोनों की बात कर ली, अब बात करते हैं मेन जो अड्डा था बंगाल जो बना इनका। तो बंगाल में सबसे पहले 1651 में इन्होंने शाह शुजा से दीवानी हासिल, बिजनेस करने की परमिशन हासिल की थी, और 3000 रुपया एनुअल, यानी 3000 रुपया वार्षिक कर्ज के बदले में शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी थी। बाद में धीरे धीरे करके बंगाल में इन्होंने, बंगाल के अलावा और भी जो बिहार था, उड़ीसा था, वहाँ पर धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री बढ़ानी शुरू कर दी। फिर बाद में अंग्रेज बीच बीच में उत्पाद भी मचाया करते थे, तो उस उत्पाद की वजह से जो मुगल बादशाह थे उनको पनिश भी करते थे। एक बार शाहजहाँ की बेगम हवाखोरी के लिए कलकत्ते गई हुई थी, तो कुछ अंग्रेजों ने बेगम की सहेलियों को ही किडनैप कर लिया। तो फिर बाद में फिर औरंगजेब भेजा गया, औरंगजेब ने जाकर उन सबों को मारपीट के भगाया। फिर जब औरंगजेब एक बार मुगल बादशाह बना था, उसके समय फिर अंग्रेजों ने कुछ लूटपाट की, तो 1886 में फिर अंग्रेजों ने इन सब अंग्रेजों को मार के भगाया, तो अंग्रेज जाके फुलटा डिप पर जाके शरण लिए हुए थे। तो अंग्रेजों से भी मारपीट ये सब चल रहा था, बहुत स्टेब्लिश लोग नहीं हो पाए थे।
अंग्रेजों ने भारत में जो अपनी स्थिति बंगाल में अपनी जो स्थिति मजबूत की वो मजबूत की कि 1698-99 में यानी 1698-99 में इब्राहिम खान नामक एक सरदार से 1200 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले में, 1200 रुपये के बदले में जॉब चारनोक था, जॉब चारनोक ने 3 गांव की जमींदारी ली थी। उन तीनों गांव में एक था गोविंदपुर, एक था सुतानती और तीसरा था कालिकाता। अब ये जो तीनों गांव की जमींदारी मिली, कालिकाता, गोविंदपुर और सुतानती, किसने लिया था? जॉब चारनोक। और उसी ने इस 1200 रुपये के बदले में जो 1698-99 में लिया, वही जो तीनों गांव थे यही सन 1700 में EN-1700 में बने अंग्रेजों के सबसे बड़े अड्डे जिसको कहा जाता है फोर्ट विलियम। और यही जो फोर्ट विलियम था आगे जाके कलकत्ता के नाम से मशहूर होता है। तो कलकत्ता तीन गांव, कालिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानाती, यही फोर्ट विलियम बना और यही कलकत्ता के नाम से मशहूर हुआ। और यही कलकत्ता आगे हम लोग बातचीत करेंगे 1774 यानी 1700 में फोर्ट विलियम बन गया था, 1774 में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में इस्टेब्लिशमेंट था उसकी राजधानी बन गया। पहले ये मद्रास प्रेजिडेंसी के अंडर में ये लोग थे, लेकिन 1774 से ये जो फोर्ट विलियम या आप कह सकते हैं जो कलकत्ता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में क्या बन गई? राजधानी बनी, जो 1774 से लेके 1911 तक रही। अब सोचिए इसका महत्व इन तीन गांवों का इतना ज़्यादा था कि जो 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। तो बाकी फिर बाद में, पहले मद्रास के अंडर में था, बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अरे सॉरी, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी अलग से उसको प्रेसिडेंसी बना लिया। अब इनकी यही तीन प्रेसिडेंसी स्वतंत्र होती हैं, यानी बंगाल बनता है कब? सन 1700 में, यानी सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर बंगाल। बंगाल बने तो बाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही रहा क्योंकि बंगाल उस समय देश का सबसे रिच स्टेट था, सबसे धनी प्रांत था, और अंग्रेजों ने भी बाद में इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। हालांकि बंगाल में शुरुआत में अंग्रेजों को बहुत दिक्कत हुई, औरंगजेब के शासन में पटना और कासिम बाजार को अंग्रेजों ने जब उत्पात मचाया तो औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। तो औरंगजेब के ऑर्डर से सभी ब्रिटिशर्स जो भी पटना और कासिम बाजार के थे सबको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके फिर बाद में, हालांकि फिर बीच बचाव हुआ, फिर से समझौता हुआ, फिर औरंगजेब माना और उन सबों को छोड़ा गया। तो अभी भी इनकी स्थिति बंगाल में बहुत डामाडोल चल रही थी जब तक औरंगजेब था। इनकी स्थिति बंगाल में जो सुधरती है वो सुधरती है औरंगजेब के मरने के बाद, यानी जब तक मुगल मजबूत स्थिति में थे, यानी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तब तक तो अंग्रेजों का साहस नहीं था। जब औरंगजेब मरता है तब बंगाल में अंग्रेज अपनी हरकत दिखाना शुरू करते हैं। उधर यूरोप में भी ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़ी सी नाराजगी थी और वहां के सरकार के संरक्षण में एक नई कंपनी बनी थी और वो चाहते थे कि कंपनी का एकाधिकार खत्म किया जाए, जिसको इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट कहा जाता था। वो 1634 बनी, तो एक दो कंपनियां और बनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज कर रही थी ब्रिटेन में भी, और वो लोग भारत व्यापार करने के लिए आए भी थे, जिसमें जॉन सरमन मिशन था, कई सारे मिशन इन लोगों ने भेजे भी थे। लेकिन ईस्ट इंडिया, बाकी जो जैसे बाद में जो कंपनियां बनी इंग्लैंड में, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले से काम कर रही थी भारत में और भारत में काम करने का एक्सपीरियंस इनका बड़ा ज़बरदस्त था, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी फ़ायदा कमा रही थी, बाकी कंपनियों को इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी होशियार भी थी, वो देख रही थी कि बाकी कंपनियां हाथ पैर मारे उससे अच्छा बाकी कंपनियों को अपने में मिला लो। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपटीटर कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, जो 1634 से बनी थी, उसको भी सरकार से इन्होंने मंजूरी दिला दी 1702 में कि उसका विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाए। और फाइनली 1702 में ब्रिटेन की बाकी कंपनियों को मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी में ही विलय कर दिया गया, यानी जो इंग्लैंड में इनके खिलाफ जो साजिश चल रही थी वो समाप्त हो गया। अब फिर यानी अभी 1700 के आसपास इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत ठीक नहीं थी,
फिर बाद में जो इन बंगाल में इनकी स्थिति में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आप कह लीजिए कि जो पोजीशन थोड़ी सी ठीक ठाक हुई, वो ठीक ठाक हुई थी 1717 में, 1717 में उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था फारूक शेर। तो फारूक शेर के समय एक अंग्रेजों का दल था, वो मुगल बादशाह से कुछ रियायतें लेने के लिए गया हुआ था, जो जॉन शर्मन मिशन के नाम से जाना जाता है। उसमें कई सारे लोग गए थे, उन्हीं कई सारे लोगों में एक सर्जन था हैमिल्टन। हैमिल्टन डॉक्टर था, सर्जन था, ऑपरेशन वगैरह करता था। और फारूक शेर इसमें बीमार चल रहा था, उसको फोड़ा हुआ था बड़ा भयानक, और वो फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था। ब्रिटिश उस समय मिलने के लिए गए थे, जॉन शर्मन का मिशन गया था, साथ ही साथ उसका सर्जन गया था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने जाके बढ़िया से जो फारूक शेर था उसका इलाज किया और उसके फोड़े का ऑपरेशन किया, चीरफाड़ करके पट्टी बांध के एकदम सही कर दिया। तो इस बीमारी से, उस फोड़े से जब फारूक शेर को मुक्ति मिली, तो फारूक शेर बहुत खुश हुआ जो मुगल बादशाह था। और उसी खुशी में सन 1717 में जो मुगल बादशाह था फारूक शेर, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले में पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे दी। मात्र 3,000 के बदले पूरे बंगाल में अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। यही जो शर्मन मिशन को फारूक शेर ने जो अधिकार दिए, इसी कहा जाता है अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, एक अधिकार पत्र, क्योंकि इससे अंग्रेजों को बंगाल में पांव जमाने का मौका मिल गया। और यहीं पर अंग्रेजों की किस्मत पलटती है बंगाल से। तो अंग्रेजों की किस्मत जो पलटी, वो यही 1717 के बाद पलटनी शुरू हो जाती है। और उसी सुनहले फरमान में फारूक शेर ने एक और गलती की कि जो इनके सिक्के ढलते थे, जो क्वाइन ढलते थे बम्बई टकसालों में, उसको पूरे भारत में मान्य कर दिया कि अंग्रेजों के जो बम्बई टकसाल में ढले हुए सिक्के हैं, वो पूरे भारत में मान्य होंगे, और बंगाल में मुगल बादशाह को बस 3,000 सालाना टैक्स देगा, पूरे बंगाल में फ्री में ट्रेड करेंगे। लेकिन जो बंगाल का नवाब बना बाद में मुर्शिद कुली खां ने अंग्रेजों के छूट को नियंत्रित करने की कोशिश की। वो जगह जो अंग्रेजों को बैरियर लगाता था, अंग्रेजों को रोकने की कोशिश करता था, तो जब मुर्शिद कुली खां ने टोका टोकी करने की कोशिश की, तो उसी मुर्शिद कुली खां से अंग्रेज फिर टेंशन में आना शुरू किए। और धीरे धीरे अंग्रेज अब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू किए, क्योंकि मुगलों के बाद जो भारत में जो राजनीति थी, यानी मुगलों के बाद औरंगजेब तक तो ठीक ठाक था, औरंगजेब के बाद फिर भारत में एक विकेंद्रीकरण का दौर आया, डिसेंट्रलाइजेशन का दौर आया, और भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया। मराठों ने अलग साम्राज्य स्थापित किया, बंगाल अलग था, अवध अलग था, मैसूर था, इधर हैदराबाद था, उधर राजपूताने में राजपूत अलग थे, बाद में फिर सिख साम्राज्य बना, अलग अलग छोटे छोटे थे। और सब के सब जो भारतीय शक्तियां थी, वो प्रयास कर रही थी कि मुगलों के बाद भारत पर कंट्रोल स्थापित करें। यानी मुगलों का जो नामक एक जो बड़ा पेड़ उखड़ा था, तो उस बड़े पेड़ के उखड़ने जो गड्ढा बना, उस गड्ढे को भरने की कोशिश की गई सबके द्वारा। मराठे इसमें काफ़ी हद तक सफल है, लेकिन आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मराठों को भी अहमदशाह अब्दाली ने हरा दिया, और मराठे आपसी फूट के कारण नहीं हो पाए, भारत पर कब्जा नहीं, भारत पर नियंत्रण नहीं रख पाए, और अपने क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ही सीमित रह गए। तो जितने भी पावर्स मुगलों के बाद उभरी, वो रीजनल थी, क्षेत्रीय थी। और अंग्रेज भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी पोजिशन में थे, अंग्रेजों की स्थिति बहुत ख़राब थी। इवन अंग्रेज इस हालत में नहीं थे कि किसी एक भारतीय शक्ति से टक्कर ले पाते, न मैसूर से, न मराठों से, न सिखों से, न बंगाल से, अकेले इस हालत में नहीं थे अंग्रेज। वो भारतीय शक्तियों के गुणागणित ऐसी तीन टिकड़म आई, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत पर हावी होने का मौका मिला। अब जो इनका जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा अंग्रेजों की जागती है, वो जब जैसे बताया कि सन 1600 में कंपनी बनी, 1608 में लोग भारत में आए, और 1717 तक अभी तक ये कंपनी थे, व्यापार में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, 1717 तक अभी तक ये कंपनी में ही थे। लेकिन जब 1730 आप कह लीजिए, या 1740s, 1730 1740 का जो दौर चला, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी अपना कदम जमाने का प्रयास कर रहे थे, और यूरोप में फ्रांसीसी अंग्रेजों में बनती नहीं थी, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के चक्कर में भारतीय शक्तियों से लोहा लेना शुरू कर दिया। और इसी 1717 के बाद जब बंगाल में इन्हें पैर जमाने का मौका मिला, तो 1720, 30, 40 का जो दौर था,
धीरे धीरे अब अंग्रेजों के अंदर एक महत्वाकांक्षा पैदा होती है कि क्योंकि अब कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, क्षेत्रीय शक्तियां थी, उन क्षेत्रीय शक्तियों को खत्म करके भारत पर नियंत्रण स्थापित कराया जा सकता है। और अब अंग्रेज अफसर ब्रिटेन में बैठे अपने नीति निर्धारकों को चिट्ठियां लिखना शुरू कर चुके थे कि भारत एक सोने की खान है, बहुत पैसा है और राजनीतिक एकीकरण नहीं है, यही मौका है, सरकार सपोर्ट करे तो हम लोग भारत को अपने नियंत्रण करने की स्थिति में आ सकते हैं। यानी एक कंपनी जो भारत में बिजनेस करने आई, जब तक मुगल अपनी अच्छी स्थिति में थे तब तक इनका साहस नहीं था, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी और भारतीय शक्तियों के आपसी रंजिश, आपसी साजिश का फायदा इस कंपनी ने उठाया और भारत का सर्वसर्वा बन गई। अब इस चक्कर में कंपनी का बहुत सारी भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष हुआ, जिन संघर्षों की चर्चा आपको कई सारे वीडियो में पिछले कर चुके हैं। आपको मैसूर वाला वीडियो बताया था कि मैसूर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी, 3 लड़ाइयाँ मराठों से हुई, सिख से 2 लड़ाइयाँ हुई, बंगाल में संघर्ष हुआ और आपस में भी इन कंपनियों का संघर्ष चला, जिसमें बताया था कि 3 कर्नाटिक युद्ध हुए। तो युद्धों की डिटेल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, कैसे अंग्रेजों ने भारत में प्रभु सत्ता हासिल की और कैसे कैसे अलग अलग गवर्नर जनरल और वायसराय ने अपनी नीतियाँ बदली, जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ अंग्रेजों का और अंग्रेजों ने भारत में सत्ता हासिल की। तो अंग्रेजों ने अब तक जो हम लोग आज की वीडियो में देखें कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में प्रवेश किया और एक व्यापारिक शक्ति बनी, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज कैसे एक व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति बनते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।